कांग्रेस की 2024 पर नजर, 2014 और 2019 की हुई गलतियों से ले रही है सीख। 2019 चुनाव में हारे 121 में से 56 आरक्षित संसदीय क्षेत्रों पर फोकस। सांसद संतोष चौधरी का आज होगा अंतिम संस्कार, कई कांग्रेसी नेता होंगे शामिल। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुआ था निधन। बेंगलुरु में आज होगा 112 फुट के आदि योगी का अनावरण, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे अनावरण, दिखाया जाएगा अनूठा लाइट एंड साउंड शो। पीएम मोदी तेलंगाना आंध्र के बीच वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी, रेल मंत्री भी रहेंगे मौजूद। सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच दूरी को 8 घंटे में तय करेगी ट्रेन। मायावती का 67वां जन्मदिन आज, लखनऊ के पार्टी कार्यालय में किताब का विमोचन करेंगे बीएसपी सुप्रीमो। 2024 चुनाव को लेकर जन्मदिन के कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाना चाहती है पार्टी। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर, आज से शुरू होगा बैठकों का दौर, सीएम शिवराज करेंगे चुनाव पर मंथन। तमिलनाडु की मदुरई में शुरू हुआ जलीकट्टू खेल, बैलों को काबू करने उतरे खिलाड़ी, खेल के दौरान होगी सुरक्षा व्यवस्था। नर्मदापुरम में जोशीमठ जैसे संकेत, बाढ़ की वजह से धंसने लगी जमीन, मकानों में आ रही हैं दरारें। आज से फिर दिल्ली एनसीआर में गिर सकता है तापमान, तेज हवाओं से ठिठुरन बढ़ी, कोहरे ने भी बढ़ाई परेशानी। भारत श्रीलंका वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला आज तिरुवनंतपुरम में, दोनों टीमें होंगी आमने सामने, सीरीज में 2-0 से आगे है भारत। यूक्रेन के निप्रो शहर में बमबारी हमले में 5 लोगों की गई जान, 27 लोग हुए घायल। चीन में कोरोना का कहर, सरकार ने स्वीकारा 1 महीने में 60,000 लोगों की गई जान। अमेरिका में बस से उतरते समय एशियाई छात्रा पर हमला, 56 साल की महिला ने मारा चाकू, पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी की जाँच शुरू, हाउस कमेटी ने बाइडेन प्रशासन से तलब किए दस्तावेज। बुर्ज खलीफा पर छाया पठान, ट्रेलर देख झूम उठे शाहरुख खान के फैंस, 25 जनवरी को रिलीज होगी फिल्म। नए साल में झटका, 8 बैंकों के कर्ज हुए महंगे, फरवरी में एक बार फिर ब्याज दरें बढ़ने की संभावना। अंडे की कीमतों में उबाल, कीमतों ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, मुंबई में 90 रुपए दर्जन मिल रहा है अंडा। कोहरे के चलते आज भी देरी से चल रही है कई फ्लाइट्स, दिल्ली रियाद और दिल्ली वाराणसी उड़ान भी लेट, लोगों की बड़ी परेशानी। मुंबई वासियों को करना होगा परेशानी का सामना, सुरक्षा उद्देश्यों और बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए मेगा ब्लॉक का लिया गया फैसला। रेल यात्रियों को होगी परेशानी, घने कोहरे की वजह से कई ट्रेनें रद्द, कई गाड़ियों का बदला गया रूट।